हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हम अपने सिंगल बैटरी को अपने सोलर पैनल और इन्वर्टर से दोनों से हम एक साथ चार्ज कर सकते हैं कि नहीं। अगर चार्ज कर सकते हैं तो कैसे चार्ज कर सकते हैं, तो क्या हमारी बैटरी पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा, मतलब दोस्तों हमारी बैटरी खराब तो नहीं होगी। तो सारा कुछ मैं आपको बताऊंगा, चाहे अगर आप इन्वर्टर बैटरी का इस्तेमाल करते हो या फिर सोलर बैटरी का इस्तेमाल करते हो, मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ क्या आप दोनों से आप अपनी एक बैटरी को चार्ज कर सकते हो कि नहीं। देखिए, बहुत सारे यूजर्स जो हैं वो ऑलरेडी सोलर पैनल का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब भी इलेक्ट्रिसिटी आती है उनके घर में, तब हमारा इन्वर्टर जो है ऑलरेडी हमारी बैटरी को चार्ज करना शुरू कर देता है। तो ऑलरेडी सोलर भी हमारी बैटरी को चार्ज करता है और ऊपर से इन्वर्टर भी हमारी बैटरी को चार्ज करने लगता है। तो आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि क्या हम दोनों से चार्ज करेंगे तो क्या दोनों में शॉर्ट सर्किट तो क्रिएट नहीं होगा, मतलब हमारा सोलर पैनल भी करंट सप्लाई कर रहा है और इन्वर्टर भी सप्लाई कर रहा है, तो क्या दोनों में शॉर्ट सर्किट क्रिएट तो नहीं होगा, या फिर दोस्तों हमारी बैटरी काफ़ी ज़्यादा तेज चार्ज होगी तो इसमें हमारी बैटरी खराब तो नहीं होगी। तो इस तरह के बहुत सारे आपके मन में सवाल उठ रहे होंगे, तो मैं आपको इस वीडियो में सारा कुछ क्लियर करने वाला हूं। अगर चार्ज कर सकते हो तो कैसे चार्ज करना है, अगर नहीं चार्ज करना है तो क्यों नहीं चार्ज करना है, ये भी हम आपको क्लियर करने वाले हैं। तो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये वीडियो होने वाला है, तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे यूट्यूब चैनल पर नए होंगे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को आप बिना स्किप किए ही लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। देखिए फ्रेंड्स, इन सब के बीच सबसे पहले डिपेंड ये करता है कि हमारा बैटरी जो है जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी कैपेसिटी कितनी है, और हमारा यूपीएस जो है वो कितना एम्पियर आउटपुट सप्लाई क्रिएट करता है, और हमारा सोलर पैनल जो है जो कि हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है ये कितने एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहा है। सपोज यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि हम सोलर बैटरी का इस्तेमाल कर रहे हैं और जो सोलर बैटरी है उसकी कैपेसिटी है कि वो 15 एम्पियर से चार्ज हो सकती है। मैं आपको इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि अगर आपके पास 150 एम्पियर की कोई सोलर बैटरी है तो वो 15 एम्पियर से चार्ज हो सकती है। अब दोस्तों, यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि जिस सोलर पैनल से हम अपनी बैटरी को कनेक्ट किए हुए हैं वो सोलर पैनल हमारी बैटरी को कितना एम्पियर आउटपुट सप्लाई दे रहा है। इसके बाद आपको ये भी देखना होगा कि जो हम इन्वर्टर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे अपनी बैटरी को चार्ज करते हैं, वो इन्वर्टर जो है हमारी बैटरी को कितना एम्पियर आउटपुट सप्लाई दे रहा है। सपोज मान के चलते हैं कि हमारा इन्वर्टर भी 7.5 एम्पियर दे रहा है और हमारा सोलर भी 7.5 एम्पियर दे रहा है, तो दोनों से अगर हमारा एक साथ बैटरी हमारा चार्ज होगा तो दोनों मिलकर 15 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज करेंगे। तो सबसे पहले आपके मन में ये सवाल था कि क्या शॉर्ट सर्किट तो क्रिएट नहीं होगा, तो बिल्कुल दोस्तों आप निश्चिंत रहे कि शॉर्ट सर्किट नहीं क्रिएट होगा, क्योंकि दोनों आउटपुट सप्लाई जो है वो डीसी में प्रोवाइड करा रही है, तो डीसी करंट जो है एक ही साथ कनेक्ट हो रहा है हमारी बैटरी के साथ, तो इसमें शॉर्ट सर्किट होने का कोई चांस नहीं बनता है, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। तो ये आपके मन में पहला सवाल जो था इसका क्लियर जवाब मिल गया, शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। अब दूसरा जवाब आता है कि देखिए क्या होता है, मान के चलते हैं कि 7.5 एम्पियर हमारा इन्वर्टर भी चार्ज कर रहा है और 7.5 एम्पियर से हमारा सोलर पैनल भी चार्ज कर रहा है, तो इसमें क्या होगा कि दोनों मिलकर 15 एम्पियर से हमारी बैटरी को चार्ज कर रहे हैं एक साथ। सपोज धूप भी तेज है और इधर लाइट भी है और हमारी बैटरी डाउन है और बैटरी हमारी चार्ज भी हो रही है, तो 15 एम्पियर से हमारी बैटरी जो है चार्ज हो सकती है अगर उसकी कैपेसिटी 15 एम्पियर है तो। अब दोस्तों यहाँ पर बात आती है कि हमारा सोलर पैनल जो है ये भी 15 एम्पियर दे रहा है और हमारा इन्वर्टर जो है ये 10 एम्पियर के आसपास में दे रहा है, तो यहाँ पर दोनों मिलकर 25 एम्पियर क्रिएट होता है, तो 25 एम्पियर तो ज्यादा ही हो गया क्योंकि हमारी बैटरी का लिमिट है 15 एम्पियर और दोनों मिलकर यहाँ पर 25 एम्पियर सप्लाई हमारी बैटरी को भेज रहे हैं, तो इसमें दोस्तों हम अपनी बैटरी को बिल्कुल भी चार्ज नहीं कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों हम आधा घंटा के लिए चार्ज कर सकते हैं, 10 मिनट के लिए चार्ज कर सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम चार्ज करेंगे, अगर कंटिन्यू डेली ऐसे ही होता है आपकी बैटरी के साथ, तो आपकी बैटरी का जो है जल्द से जल्द खराब भी हो सकती है। अब बैटरी खराब होने से पहले दोस्तों कई तरह के नोटिफिकेशन देखने को मिलता है बैटरी की तरफ से, जैसे उसकी पानी जो है जल्दी जल्दी खत्म होगा, बैटरी हीट होगी, तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट होती है बैटरी खराब होने से पहले। तो चार्ज करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन लिमिटेड देखना होगा कि बैटरी का लिमिट कितना है चार्ज होने का, और दोनों का जब दोनों एक साथ हमारी बैटरी को चार्ज कर रही है तो उस समय देखना होगा कि दोनों मिलके एक साथ कितना आउटपुट सप्लाई क्रिएट कर रही हैं, और हमारी बैटरी का लिमिट से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। हालांकि तो एक या दो एम्पियर अगर ज़्यादा चल भी जाता है तो एक दो एम्पियर उतना ज़्यादा मायने नहीं रखता है, लेकिन उससे ज़्यादा अगर जाता है दोस्तों तो आपको बेशक आपको मायने रखता है, और आपकी बैटरी को सेफ रखने के लिए आपको दोस्तों एक साथ दोनों का इस्तेमाल नहीं करना है। अगर दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी है तो आप सोलर पैनल का कनेक्शन हटा दीजिए, या फिर दोस्तों आप सोलर से चार्ज करना चाहते हो तो आप इन्वर्टर को यूपीएस को आप ऑफ कर दीजिए। ठीक है गाइस,
तो आई होप कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलें। ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें।